अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी और 1 किलो मैं गाजर ली हूँ, इसको कद्दूकस कर ली हूँ। अच्छी तरह गाजर को धो के कद्दूकस करना है। और 1 लीटर मैं दूध भी ली हूँ और दूध बहुत मलाई वाला होना चाहिए, क्योंकि मैं अलग से मावा नहीं डालूंगी, ये दूध में ही बॉयल होके मावा जैसा लगेगा आपको खाने में। तो मैं बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। मैं पतीला चढ़ा दी हूँ, अब इसमें थोड़ा 1 चम्मच घी डालूंगी, 1 से 2 चम्मच। घी मेल्ट हो जाए, 2 इलायची डाल रही हूँ, आप इस तरह खोल के डालें। गाजर के हलवा में ज़्यादा घी भी नहीं लगता है और ज़्यादा चीनी भी नहीं लगती है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। घी मेल्ट हो गया है, अब मैं डालूंगी गाजर। दो मिनट घी में फ्राई कर लूँ, फिर दूध डालूंगी। ठीक है, 2 मिनट फ्राई कर ली और इसमें दूध डालूंगी। एक लीटर है, अब ये इसी में गलेगा। तो मैं लीड लगा के इसको 20 से 25 मिनट तक गलाऊंगी। चलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसको खोल के सुखाऊंगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से भुना रहा है, बिल्कुल सूख गया है दूध। अब यहाँ पे मैं घी डालूंगी 1 चम्मच और ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, आपके पास जो भी है डाल सकती हैं। अभी 10-15 मिनट और भूनूंगी जब तक लाल ना हो जाए। अच्छी तरह लाल हो गया है, अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, 1 कप चीनी है। आप अपने हिसाब से मीठा आपको जैसा पसंद है कम ज़्यादा कर भी सकती हैं। देखिए हलवा एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है, चीनी भी मेल्ट हो गया है। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ही लाजवाब बना है हलवा। मैं गार्निश कर लूँ। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी इसी तरह बनाइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।